सड़क पे अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बलिया प्रशासन का चला बुलडोजर। बलिया में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रही। बताते चले कि शहर कोतवाली क्षेत्र चौक सिनेमा रोड में भारी पुलिस फोर्स बुलडोजर के साथ अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत पहुंचकर जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण पर जमकर बुलडोजर चलवाया गया। बुलडोजर को देख बाजार में मचा हड़कंप। वहीं अतिक्रमण जिसको काम है नगर पालिका के कर्मचारी ही रहे यहाँ पर। नगर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया गया, किन किन लोगों को दंडित किया गया, क्या क्या चेतावनी दी गई, कहां से कहां हटाया गया? देखिए, शासन के अनुसार रोज शहर में जितने भी अवैध पट्टी के अतिक्रमण थे और अवैध वाहन स्टैंड थे, उन सभी को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में आज सभी लोग सीओ साहब और सीओ नगर पालिका और मैं सीसी पिछले बढ़िया यहाँ पे उपस्थित हैं और ये जितने भी नाली और पट्टी पे अवैध अतिक्रमण है उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है। और इसके साथ ही चेतावनी दी जा रही है कि अगर दोबारा इस तरह की हरकत के द्वारा की गई तो जुर्माने के साथ साथ दंडित भी किया जाएगा। कितने सामानों को सर जब्त किया गया? आज सामान बेसिकली चेतावनी के साथ ये किया गया है कि जितने भी अतिक्रमण की गई सामग्री थी उसको जितने भी मिले उन सभी को नगर पालिका के वाहन में भर के उसको सर एक समस्या इसमें आ रही है, जो नालियां हैं उस पर जो पलस्तरा करके लोग बनाए हैं, चूँकि उसको तोड़ने के बाद जाने आने में समस्या का निदान क्या निकला? ये उनकी समस्या है, ये नगर पालिका के विभिन्न क्षेत्र में जितनी भी चीज़ें हैं उनको मानक के अनुसार अपना दुकान और मकान बनाना चाहिए। उस मानकों का हम देखा करते हैं और बाद में जमीन में ही वो रैंप और आदि बनाते हैं, तो तोड़ना ही एक समाधान है। तोड़ लें, वो अपनी जमीन में अंदर अपना रैंप और आदि का बना के अपनी दुकान बनाते हैं।